अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सुजुकी GS150 की एक और वीडियो लाया हूं आप लोगों के लिए। आज मैं क्या करने जा रहा हूं, आज मैं चेंज करने जा रहा हूं इसका स्पार्क प्लग। अभी बाइक के अंदर जो है वो स्टॉक स्पार्क प्लग लगा हुआ है जो कि फैक्ट्री फिटेड आता है और 9000 चल चुकी है बाइक। कोई मसला नहीं है, स्टिल चल रहा है, लेकिन मैं स्विच करने की सोच रहा था तो मैं आज ये दिखा रहा हूँ आपको। लेज़र इरिडियम है ये, NGK का ये प्लग है। 2000 रुपये का मैंने ये ख़रीदा तकरीबन जो है। और इस प्लग का नंबर है CR9E। करंटली बाइक में CR8E लगा हुआ है। CR9E ज़रा मजीद कोल्डर प्लग है जो कि ज़्यादा और ज़्यादा हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है, इसलिए मैं इसको स्विच कर रहा हूँ। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से भी ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ ही मैं बॉक्स के अंदर प्लग भी दिखा दूँ आप लोगों को कैसा दिखता है। ये बॉक्स है इसका लेज़र इरिडियम, और ये NGK का इरिडियम है। लेज़र इरिडियम दो तरीके के आते हैं, सादा इरिडियम और लेज़र इरिडियम। ये लेज़र इरिडियम है, देखें इस तरीके से ये दिखता है, और जेन्युइन जैपनीज़ प्लग है ये। तो अब इसको अपनी बाइक में इंस्टॉल करते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरह इंस्टॉल होगी। तो सबसे पहले ये है जो है ये प्लग का वायर है, सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। ये ईजिली निकल गया है और ये आपका स्पार्क प्लग यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके का कुछ है मेरे पास। ये 16 मिलीमीटर का सॉकेट है, 16 मिलीमीटर का सॉकेट हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और इसको लूज़ करेंगे इस तरीके से। ये देखें, ये लूज़ हो गया। ये स्टॉक प्लग है जो कि मैंने अभी निकाला है, और अब मैं ये इंसर्ट करने जा रहा हूँ इसके अंदर। ये इरिडियम प्लग है, बहुत इजी प्रोसेस है। इरिडियम प्लग के मैं फ़ायदे भी बता देता हूँ साथ में। इरिडियम प्लग के अंदर जो स्पार्क है वो बहुत अच्छा स्पार्क जनरेट करता है ये, और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो कंपनी क्लेम्ड है वो है 1,60,000 किलोमीटर्स इरिडियम प्लग की जो लाइफ है, ख़ासतौर पर ये लेज़र वाला। तो इसलिए मैंने ये प्लग चेंज करने का फ़ैसला किया कि एक ही दफ़ा जो है अच्छा प्लग डाल दें, हमेशा की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि इतना तो खैर इंजन भी नहीं चलेगा इसका, लेकिन अच्छी चीज़ है ये। और स्पार्क जनरेट अच्छा करता है, पिकअप और परफॉर्मेंस बढ़ाता है, इस तरह की चीज़ें हैं इसके कुछ फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड स्टॉक प्लग। अच्छा, तो गाइस प्लग इंस्टॉल हो गया है, उसके बाद ये जो वायर है इसका ये वापस लगा देंगे ऐसे। ठीक है, वायर भी लग चुका है, अब बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं हम लोग, ताकि पता चल जाए कि प्लग काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, बाइक स्टार्ट हो गई है, सामने RPM है। ठीक है, ऑल गुड। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो से अपडेटेड रहें।